नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से अपने बच्चों का नाम समग्र आईडी में जुड़वाएं। अगर आपके घर में रिसेंटली आपके बच्चों का जन्म हुआ है तो समग्र आईडी में उनको कैसे ऐड करवाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूं। क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, किसको करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट जमा और कब तक की ये प्रोसेस है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको क्या होने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फैमिली आईडी की, जो कि आपकी फैमिली आईडी करेंटली है। जिस आईडी में बच्चे का नाम जुड़ना है वो आईडी आप एक कलेक्ट कर लीजिए और चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। देन थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड अगर आपके बच्चे का है तो आप उसको ले जा सकते हो। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी लगेगा, और अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है तो आपको आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, पिताजी का आधार कार्ड उसमें एक्सेप्टेबल होगा। फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, वही पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया है कि फोर्थ में अगर आपका बच्चा 6 साल से कम की उम्र का है और आप उसका नाम समग्र आईडी में जुड़वाना चाहते हैं तो फादर्स या मदर्स का आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर, आपको एक चालू मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग कंडीशन में है उसे आप ले जा सकते हैं। तो ये कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें कि एक ऑप्शनल है तो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई हुई है, अगर आपका बच्चा 0 से 6 वर्ष की उम्र का है तो आपको आधार कार्ड ले जाना मैंडेटरी नहीं है, बच्चे का फादर्स आधार कार्ड उसमें लगेगा तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइए। और अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी लगना होगा। तो चलिए अब हम पूरी प्रोसेस आपको बता देते हैं। वीडियो को अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे तो आप बहुत सा पार्ट मिस कर दोगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको प्रोसेस पता चल सके कि किस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है और कितना इसमें टाइम लगता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम SPR पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। नाउ दोस्तों, कैप्चर फिल कर दिया है मैंने, लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। स्क्वायर बॉक्स पर जाएंगे और सदस्य पंजीयन एवं प्रबंधन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होने वाला है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इधर की एक आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इधर पे सर्च वाला, आप देख पा रहे होगे इस ऑप्शन को। ये वाला जो ऑप्शन है आपको उस पर, जैसे ही आप इस पर कर्सर ले जाओगे तो आपको एक नया ऑप्शन शो हो रहा होगा, रजिस्टर न्यू मेंबर इन अ फैमिली इन अ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फैमिली। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी परिवार आईडी आपसे मांगी जाएगी। ये सारा प्रोसेस ग्राम पंचायत द्वारा होता है। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप यहीं से आपकी नगर पालिका जो भी हो आपका, अगर ग्राम पंचायत के निवासी हो तो आप अपने ग्राम पंचायत सचिव को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हो, जो कि मैंने 5 आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, ये आप उन्हीं को जमा करिए क्योंकि रिक्वेस्ट उन्हीं के पास पहुंचनी है और वही अप्रूवल करेंगे। तो आप अगर मोबाइल के थ्रू करते हो तो आपके लिए वो सही है, बट मैं आशा करूंगा कि आप यहीं से करवाएंगे जो भी प्रोसेस है, क्योंकि अप्रूवल ग्राम पंचायत से ही मिलेगा और अगर आप एक नगर पालिका के निवासी हो तो आपको वहाँ से मिलेगा। तो आप समग्र वाले पोर्टल से ना करवाते हुए SPR वाले पोर्टल से ही करवाएं जिससे कि आपकी समस्या का निराकरण हो सके। तो चलिए हम परिवार आईडी इधर पे डाल देते हैं। ना दोस्तों, मैंने इधर पे परिवार आईडी डाल दी है और दो बार डालनी पड़ती है इधर पे, और कैप्चर मैंने फिल कर दिया है और क्लिक कर दूंगा मैं पहले से पंजीकृत परिवार में सदस्य खोजें, तो ये सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपके पूरे सदस्यों का आपको नाम इधर पे शो होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके नाम में कोई भी त्रुटि है या गलती है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, आप अलग से मैंने उसमें प्लेलिस्ट लिस्ट कर दूंगा आज, और आप उसमें पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि नाम संशोधन कैसे करें। अगर आप अपनी फैमिली आईडी अलग करवाना चाहते हो तो उसको भी लेकर के मैंने एक वीडियो बना दी है, और रिपोर्ट मैरिज कैसे करनी है समग्र आईडी में, अपनी वाइफ को ऐड कैसे करना है उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम इसमें कैप्चर डाल देते हैं।
जैसे ही मैंने कैप्चर फिल किया तो नीचे कुछ आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे, तो इन ऑप्शन के हिसाब से आपको अपने बच्चे का नाम ऐड करना होगा, जो भी आपके हितग्राही हो या जो भी हो। ये सारा वर्क मैं अपनी ग्राम पंचायत की आईडी से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन की बात करूँ तो पहले से पंजीकृत परिवार में नए सदस्य को जोड़ें जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच हो। तो 0 से 6 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है उसके लिए, तो जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि 0 से 6 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है, उनका स्वयं का आधार कार्ड, उनके पिताजी का आधार कार्ड चल जाता है। तो जो मैं नाम जोड़ने जा रहा हूँ उस बच्चे के पास आधार कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। और जो भी आपका केस हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो आपको बीच वाला जो ऑप्शन आ रहा था, अगर 6 साल से बड़ा है अगर आपका जो भी हितग्राही है तो आप उसको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को ऐड कर रहा हूँ, तो इसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है, पिताजी का आधार कार्ड चल जाता है, लेकिन मेरे पास मेरे केस में बच्चे का आधार कार्ड मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसमें फिल कर दूंगा। तो चलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर देता हूँ, जैसे कि पहला नाम, लास्ट नाम और प्रथम नेम, अंतिम नेम, जन्म तिथि और लिंग, और ये सारी मैं इन्फॉर्मेशन, पिता और माता का नाम और मुखिया से संबंध और मोबाइल संख्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, मैं आपको आगे की प्रोसेस पूरी बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा ना। दोस्तों मैंने इधर पे सारी डिटेल्स भर ली हैं, नीचे मैंने आधार नंबर भर लिया है जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया हूँ, और मुखिया से संबंध में जो भी आपके मुखिया से संबंध हो जिस भी सदस्य का आप वो लिख दीजिए। मेरे केस में इधर सन पुत्र है तो मैं सन कर दूंगा इधर पे, और मोबाइल संख्या इधर पे आपको डालना मैंडेटरी है, मैंने अभी फिल नहीं किया है, मैं फिल कर रहा हूँ। देन स्लाइड डाउन करते हुए अब पिताजी का नाम जो आपको पता हो आप उस हिसाब से डाल दीजिए, और माताजी का नाम जो भी आपको पता हो वो आप डाल दीजिए। ये दोनों मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप इनको फिल कर भी सकते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इजीली इनको भर सकते हैं। देन कैप्चर फिल करके पहले से पंजीकृत परिवार में नए सदस्य को पंजीकृत करें पर आपको क्लिक करना होगा। नाउ दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा है ये जुड़ चुका है नाम। नाउ दोस्तों अब हमारा वो नाम ऐड हो चुका है, अब हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से उस नाम को देखना है कि अप्रूव हुआ है ब्लॉक लेवल से या फिर नहीं हुआ है। तो आइए वो भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस प्रकार से उसकी लिस्ट देखनी है कि आपने किन किन लोगों को ऐड किया हुआ है, और आपको पूरी लिस्ट उधर पे शो हो जाएगी। स्क्वायर बॉक्स पर आपको जाना है और परिवार पंजी पर क्लिक करना है, और इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं आपको मेंबर पेंडिंग फॉर जनरेशन ऑफ देयर्स ऑफ समग्र आईडी, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो मैंने अभी ये जोड़ा हुआ है वो उसका आपकी पूरी डिटेल्स इधर पे शो हो जाएंगी। तो जितने भी सदस्य आप जोड़ोगे वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स इधर पे शो हो जाएंगी। तो ओवरऑल प्रोसीजर की मैं अगर बात करूँ आपसे तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना नाम समग्र आईडी में जुड़वाना चाहते हैं तो आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाकर नाम अपना जुड़वाना होगा, अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं। अगर आप नगर पालिका या नगर निगम से हैं तो आपको वहाँ पर विजिट करना होगा, क्योंकि वहीं से आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है और वहीं से आगे अग्रेषित होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कहीं और आप लोकल कंप्यूटर्स पर जाकर के मत करवाइए, आपको परेशानी होगी, और जो तरीका मैंने आपको बताया है वो अपनाइए। और अगर एज अ सचिव आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अगर एज आप आम नागरिक देख रहे हो इस वीडियो को तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ग्राम पंचायत सचिव महोदय को जमा करें जिससे कि वह आपकी आईडी जोड़कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो टेलीग्राम में आप हमको मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे इंस्टाग्राम से हमसे पर्सनली चैट कर सकते हो, और कोई भी आपको सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट हमसे मैसेज कर सकते हो। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने जरूर रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए।
अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।